लोकसभा चुनाव जैसे जैसे परवान चढ़ रहे हैं वैसे वैसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन को मामले में तेजी देखने को मिल रही है। ताजा मामला प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र की रैली में सामने आया, जहां पीएम ने आदर्श आचार संहिता का खुले तौर पर उल्लंघन करते हुए सेना और सेना की कार्रवाई के नाम पर वोट मांगा। उन्होंने लातूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि संकल्प लीजिए जो पहले वोट डालने जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि क्या आपका पहला वोट बालाकोर और एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम हो सकता है? क्या आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए उनके नाम समर्पित कर सकते हैं क्या? पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर्स को कहना चाहता हूं कि आप 18 साल के हो गए हैं, आप अपना पहला वोट देश के लिए दीजिए, देश को मजबूत बनाने के लिए दीजिए, एक मजबूत सरकार के लिए दीजिए। लातूर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को सेना विरोधी बताते हुए कहा, कांग्रेस देश की सेना को कितनी मजबूत चाहिए, वायु सेना कितनी मजबूत चाहिए? अरे जिनको सरकार पर भरोसा नहीं, अपने वीर जवानों पर भरोसा नहीं है, तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना जरूरी है। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जमकर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा है। कुछ समाजसेवी और मशहूर हस्तियों ने भी पीएम के इस बयान पर ऐतराज जताया है। मशहूर सिंगर एवं कंपोजर विशाल ददलानी ने भी पीएम को इस बयान को ट्वीट करके जरिए आपत्ति दर्ज कराई है। विशाल ददलानी ने अपने ट्वीट में लिखा कि क्या उन्हें यह नहीं कहा था कि शहीद सैनिकों की लाश पर कोई राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, तो अब क्या हुआ? इसके बाद विशाल ददलानी ने पीएम पर तंज कसते हुए किया कि फर्स्ट टाइम वोटर को पूछना चाहिए कि कैसे 350 किलोग्राम विस्फोटक एक उच्च सुरक्षा वाले इलाके में पहुंचा और कैसे एक कार उच्च सुरक्षा बलों के काफिले में शामिल हो जाती है। विशाल ददलानी ने ये बात अपने ट्विटर हैंडल के जरिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑपरेशन। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video, you will get a notification on your phone.